हेलो गाइस, नमस्कार और नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड नमोदय। दिस इज सेतु एंड दिस इज सुधा। सो वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। तो सुपर एक्साइटेड आज के वीडियो ते रिएक्शन देयर जनो, कारण एटा दिस इज माय सेकंड टाइम आई एम रिएक्टिंग ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज योर माय फर्स्ट टाइम इज रिएक्टिंग ऑन अनिरुद्ध आचार्य महाराज स्वामीजी নতুন আরেকটা ভিডিওতে। তো সুপার এক্সাইটেড গাইজ, অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট। ওকে, তো সুপার এক্সাইটেড, চলো শুরু করি। অ্যান্ড ভিডিও শুরু করার সে পেলে ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। সো মেরা হিন্দি বহুত আচ্ছা নেই হো, বিকজ আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। সো বহুত সারা প্যার ফ্রম বাংলাদেশ, আই এম জাস্ট ট্রাইং টু স্পিক ইন হিন্দি। ওকে, সো ডোন্ট মাইন্ড স্যার। আর চলো শুরু করি, লেটস স্টার্ট। গাইজ, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को, मैं बताऊँ, जैसे आप कथा प्रवचन करते हैं और सब लोगों को शिक्षा देते हैं, तो बोलते हैं कि बिना पैसे के कोई नहीं करता, तो पैसे क्यों लेते हैं? अगर सबको बताना है तो ऐसे फ्री में बताएं। फ्री में तो बता रहे हैं, अभी हम आपसे बता रहे हैं, बताओ कितना पैसा दिया आपने हमें? नींद लिए, लेकिन जैसे कथा कथा भी टीवी पर आप लोग सुनते हैं, तो टीवी खोल नहीं बसे, फ्री में कथा मिलती है, बताइए। नहीं, जैसे कोई भागवत कथा कराए तो? भाई, भागवत कथा आपको सुनना है तो सुन लीजिए, टीवी पे इसलिए फ्री, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, टीवी पे फ्री पे वही कथा मिल रही है जो यहाँ पे मिल रही है, इसलिए यूट्यूब पे सुन लीजिए, टीवी पे सुन लीजिए। क्या फ्री में सारी सेवाएं हैं जी, मैं भी यही बोलता हूँ, लेकिन जब बताना ही है, इतना अच्छा बताते हैं, जैसे सब ऊपर ही जाएंगे, मतलब कोई लेके नहीं जाएगा, तो पैसे क्यों लेते? भाई, लेके तो कोई नहीं जाएगा, आपको भी ज्ञान है ना, लेके कोई नहीं जाएगा। जी, जी, जी। फिर आप जहाँ काम करते हैं तो काम की पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं जी, आपको भी तो ये ज्ञान है, लेके कुछ नहीं जाना, फिर पगार क्यों लेते हैं? भाई, सबकी अपनी जिंदगानी है, जिसमें हम व्यवहार जगत में, अच्छा देखो, यहाँ माताएँ रहती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है, तो जहाँ इतने लोग भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वहाँ अर्थ की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अब तो जो आप लोग देते हैं उसी से सेवाएं होती हैं, तो भाई व्यक्ति लेकर कुछ नहीं जाता, पर व्यवहार जगत में ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, तो वो जरूरी जो है व्यवहार जगत में, उसके लिए जो उचित है वो लिया जाता है। भाई, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर आपके यहाँ पकड़ने का 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये क्षमता के अनुसार चार्ज करता है ना, क्या डॉक्टर सब लेके चला जाएगा? नहीं, फिर भी व्यवहार है, व्यवहार जगत में हमें धन कोई लेके नहीं जाता, धन कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई जी, सबको कमाना चाहिए, यदि धन होगा तो धर्म भी होगा, क्योंकि आप जब धनवान होंगे तो थोड़ा सा दान करेंगे, उस धन से धर्म होगा, यदि धन नहीं होगा आपके पास तो आप धर्म नहीं करेंगे, वंचित रह जाएंगे धर्म से, इसलिए धन होना जरूरी है। हाँ, उस धन में मोह ना हो। अब बताइए, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद चलता है सवेरे से शाम तक, गौरी गोपाल की जय। आपने प्रसाद पाए जी? आपने चावल का प्रसाद लिया जी? चावल कैसा था? मस्त, अच्छा था। अच्छा था जी? अच्छा था। कितना अच्छा था? बहुत बहुत जी। हमारे देश में जो सबसे उच्च कोटि का चावल है जी, जी, उस चावल का प्रयोग यहाँ अन्य क्षेत्र में सबके लिए होता है। चावल तो 40 रुपये किलो का भी होता है, लेकिन आप मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं हो, बताना नहीं चाहिए, 40 रुपये किलो का भी चावल बाज़ार में मिलता है, पर यहाँ जो चावल आप खाते हैं वह 85 रुपये किलो का चावल जी, सही है, बासमती का है, सही है ना? तो ये क्या है? सेवा। हमें सेवा, यदि हमें पैसों से लोभ होता तो हम 40 रुपये का चावल फ्री में खवाते आपको, आप थोड़ी बोलते कि आपने चावल ऐसा खवाया। राइट। ये हमारी श्रद्धा है कि आप हमारे अतिथि भगवान के रूप में आए हैं तो हम खवाएं। तो जब धन होता है ना, तो धन को धर्म से जोड़ना चाहिए, जो कि ये दास करता है। नहीं गुरु जी, सबको मैं यही बताता हूँ कि ऐसी ऐसी है जो आप बोले, लेकिन वो मानते नहीं है। क्या नहीं, सब नहीं मानेंगे, सब तब तक नहीं मानेंगे जब तक वह अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, इसलिए उनको लाओ जी। लोग कहते हैं पैसे क्यों लेते हैं? भाई, इसलिए लेते हैं कि जरूरत है, सेवा पैसे से होती है, कुछ सेवाएं, अब रोटी खानी है तो पैसे चाहिए, नमक लाना है तो पैसे से नमक आएगा, बिना पैसे के नमक कितने दिन देगा आदमी फ्री में? क्यों जी, घी तेल कब तक फ्री में देगा आदमी? इसलिए जैसे आप हैं, अपना परिवार, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, उसी तरह हम भी गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ में रहकर ये सेवाएं कर रहे हैं, आप यहाँ रोटी खाते हैं। अब देखो, ये सब चीज़ें मैं कभी बताता नहीं हूँ, पर आपको बता रहा हूँ जी।
आप यहाँ रोटी खाते हैं, रोटी में जो घी लग कर आता है, बाजार में घी मिलता है साहब 500 रुपये किलो का, 500 रुपये किलो का मिलता है जी देसी घी जी मिलता है। परंतु मैं वो 500 रुपये किलो का घी नहीं खरीदता, जो घी मैं स्वयं खाता हूँ पर्सनल, जो गांव गांव में घी माताएं बहनें बनाकर देती हैं वो घी इकट्ठा करवाता हूँ, और वो घी अलग से 500 रुपये तो बाजार में मिलता है, वो मुझे महंगा पड़ता है, फिर भी मैं महंगा घी लाकर उस रोटी में चुपड़ के आपको खिलाता हूँ कि आपके रूप में भगवान ही प्रसाद पाने आए हैं। पैसा यदि है तो ये दास उसका सदुपयोग करता है। अच्छे आप घी यहाँ का उस रोटी को देखना, आपका जो घी है सामान्य घी से अलग घी है। अब ये देखो कितनी माइनर बातें हैं, ये आप लोग इतना गौर नहीं करें, आप यहाँ की दाल खाकर देखना जी। दाल हम पतली भी बना सकते हैं पर गाढ़ी दाल है, आप सब खा के देखिएगा, जो घर में आप जितनी गाढ़ी खाते हैं उतनी गाढ़ी यहाँ है। हम पानी भी तो पिला सकते हैं आपको पतली दाल, आप थोड़ी कहेंगे कि महाराज जी आपने पतली दाल दी, नहीं, हमारा भाव है सेवा का। हम पैसे हर जगह से बचा सकते थे लेकिन वही तो है, हम बांध के थोड़ी ले जाएंगे इसलिए बचा नहीं रहे हैं जी। वो तो सही है गुरु जी, लेकिन नहीं मानते ना, बताने से भी नहीं मानते। कोई तो बात नहीं, लोग ना माने ना माने, मेरी आत्मा तो मान रही है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, बस हमें जमाने को क्या यकीन दिलाना, हम अपने लिए संतुष्ट हैं, हम जो कर रहे हैं, हमें जवाब इंसानों को नहीं देना, हमें जवाब ईश्वर को देना, तो वहाँ के लिए जवाब हमने तैयार रखा एकदम। तो गाइस এইটা ছিল আজকের ভিডিও, আর হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেছে, আর আমি যেহেতু গ্রামে তো এই কারেন্ট যাওয়ার সমস্যা তো অলরেডি লেগেই থাকে, কারণ একটু বৃষ্টি একটু দমকা হইলেই কারেন্ট চলে যায়। তো কিছু মনে করো না, অন্ধকারে দেখতেছি, দেখো আমাদের ডাবল ডাবল দেখাচ্ছে পিছনে কিরে। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানা, তোর ফার্স্ট টাইম তার ভিডিও কেমন লাগলো বল। ভালো, সে একজন ভালো লোক, ভালো লোক বোঝা যায়, কারণ দেখো তার কথার ভিতর কিন্তু সেটা প্রকাশ পায়। আসলে একটা মানুষের কিন্তু মানি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো আর উইদাউট মানি তো কিচ্ছু পসিবল না, যাই কেন না কেন। তোমার একটা মানুষ কয়দিন ফ্রিতে খাওয়াবে, কয়দিন তেল দিবে, কয়দিন আটা দিবে, কয়দিন ঘি দিবে ভাই? এরপরের দিন তো অবশ্যই তোমাকে ক্লেম দিবে, টাকা তো চাইবে, তাই না? কতদিন? আর এগুলো কি মানে, একটা জিনিস অনেক ভালো লাগে যে হচ্ছে মহারাজ তিনি কিন্তু প্রসাদ বিতরণ করেন ফ্রিতে সবাই, কত মানুষ আমরা দেখতে পারতেছিলাম যে কত মানুষ সারা জায়গায়, তো সবাই তিনি ভোজন করেন, এটা খুব ভালো লাগলো। সো এক্সপেন্সিভ, হ্যাঁ এক্সপেন্সিভ না, উনি যেটা বললো না যে ঘি, অরিজিনাল ঘি, তারপরে হচ্ছে সব থেকে নাম করা এক নাম্বার চাউল যেটা এখানে রান্না করা হয় এবং সমস্ত ভক্তরা অতিথি নারায়ণ, হ্যাঁ বেস্টাই খাওয়া, মানে এটা খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগে সিরিয়াসলি। আর আমাদের জন্য সবাই আশীর্বাদ করবেন, ঠিক আছে, আমরা যেন সঠিক পথে থাকি। আর জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীকৃষ্ণ। আর গাইস ভিডিও শেষ করার আগে একটা কথা বলবো, ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। আই থিঙ্ক অনেকেই জানো না হাউ টু সেলিব্রেট দুর্গা পুজো, সরস্বতী পূজা, কালী পূজা, মানে জাস্ট বিকজ উই আর হিন্দু, সো সেম কালচার মানে ইন্ডিয়ার মতো আমাদের সাথেও একই কালচার। তো এইগুলো আমি আপলোড করি সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, তো যাও ফটাফট দিয়ে ভিজিট করো আর সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, সাজেস্ট করো কোন ভিডিওতে রিয়াকশন দেখতে চাও। তো নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, টেক কেয়ার, বাই বাই, টাটা, দেখা হচ্ছে।